हाइफ़न गलकुट विद द डॉट इन। काफी सारे दिनों से मेरे पास ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए तो अच्छी है बट क्या हमें यहां से बीबीए बीसीए बीएचएम एमबीए जैसे कोर्सेज करने चाहिए नहीं। तो आज की वीडियो में हम ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके एफिलिएशन कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, फीस स्ट्रक्चर एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और सबसे अच्छी बात कि प्लेसमेंट क्या है। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है या फिर देहरादून के कॉलेजेस को लेके यूनिवर्सिटी को लेके आपके मन में कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से वन टू वन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स अपने क्वेश्चन हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज कॉलेजेस करियर एंड स्कॉलरशिप्स सब्सक्राइब vidya.in। तो सबसे पहले हम ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 1993 का एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी एमएचआरडी एआईसीटी एआईयू अप्रूव्ड है, नैक ए ग्रेड इसको मिला हुआ है और 30 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है जो कि क्लेमेंट टाउन देहरादून में सिचुएटेड है, जो कि रेलवे स्टेशन से देहरादून के रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम बात करें इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की तो इंजीनियरिंग के लिए इसको 62 रैंक मिली है ऑल ओवर इंडिया में और मैनेजमेंट की कैटेगरी में इसकी रैंकिंग 65 है। अब हम बात करते हैं कैंपस की, तो कैंपस में आपको लगभग सभी फैसिलिटीज जैसे कि वाईफाई कैंपस, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कंप्यूटर लैब्स, मेडिकल फैसिलिटीज, गेम कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन सभी चीजें विद इन दी कैंपस मिलती हैं। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल की फीस लगभग 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में है। हॉस्टल की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का 3 सीटर 4 सीटर या फिर 2 सीटर एसी या नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं उसके बेसिस पे हॉस्टल की कॉस्ट डिपेंड करती है, फीस डिपेंड करती है, बट लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में यहाँ की फीस है हॉस्टल की। और गर्ल्स के लिए भी यहाँ की हॉस्टल की फीस लगभग 1 लाख से लेके 1,80,000 तक है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन ह्यूमैनिटीज कॉमर्स हॉस्पिटैलिटी उसके साथ साथ पैरामेडिकल साइंस की फील्ड में कोर्सेज कर सकते हैं। पैरामेडिकल में आपको यहाँ से बीपीटी बीएमआरआईटी बीएमएलटी बीएससी ऑपरेशन थिएटर बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जैसे कोर्सेज मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे सभी बॉयज एंड गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपके 12th में 70-80% है तो 20%, 80-90% है तो 30% और 90-95% होने पे आपको 50% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट ये स्कॉलरशिप कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स में कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है इसको आप सही तरह से वेरीफाई जरूर कर लें। इसके साथ साथ सभी फीमेल स्टूडेंट्स को यानी कि गर्ल्स को यहां पर 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसके साथ साथ डिफेंस पर्सनल को भी यहां पर लगभग 5% की एडिशनल स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो बीटेक की फीस यहां की लगभग 3,32,000 पर एनम की, एमटेक 1,52,000, बीबीए 1,52,000 और एमबीए की फीस यहाँ की लगभग 3,49,000 पर एनम की है। बीसीए आप यहाँ से लगभग 1,04,000 की फीस में कर सकते हैं, एमसीए की फीस 1,42,000 और पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज की यहाँ की फीस लगभग 1,04,000 की है। बीएचएम की फीस 1,23,000 और बीएससी नर्सिंग अगर आप यहाँ से करते हैं तो लगभग 1,61,000 पर एनम की यहाँ की फीस है। अगर हम बीटेक के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बायोटेक्नोलॉजी मैकेनिकल एरोस्पेस एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ बीटेक कर सकते हैं। और अगर आप यहां से एमबीए करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्रेन्योरशिप एआईए एंड डेटा साइंस हॉस्पिटैलिटी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन से आप यहां से एमबीए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आपको अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं यानी कि बीटेक बीसीए बीबीए करना चाहते हैं तो 12th में 50% अनुभव मार्क्स होने पर यानी कि मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप यहां से बीटेक करना चाहते हैं तो 12th में
मिनिमम टू मिनिमम आपके लगभग 60-65% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहां के बीटेक सीएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप दूसरी ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में 60% मार्क्स होने पे भी आपको दूसरी ब्रांचेस मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर आप यहां से बीबीए बीसीए करना चाहते हैं तो लगभग 12th में 50% अलग मार्क्स होने पर आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अलग मार्क्स होने पर आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने जेडब्ल्यू मेंस दिया है तो भी आप बीटेक में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपने सीयूईटी दिया है तो आप बीबीए बीसीए जैसे कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो यहां का प्लेसमेंट रेशियो लगभग 60-70% का है। यूनिवर्सिटी अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट 84 लाख पर एनम का क्लेम करती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक सीएससी का है। यहां से अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं तो लगभग 4-6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहां से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि बीबीए बीसीए जैसे कोर्सेज करते हैं तो लगभग 3.5 लाख से लेके 4.25 लाख तक का प्लेसमेंट आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको यहां से एडोब, अमेज़न, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपाल, गुडमैन साचे, फ्लिपकार्ट, उसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है। बट अगर हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ इंडिया में इसका काफी अच्छा नाम है, एनआईआरएफ रैंक भी काफी अच्छी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का डिसेंट है। बट ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट बीटेक के लिए काफी अच्छा है, जबकि मैनेजमेंट के लिए इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप यहां से बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। बट अगर आप दूसरे कोर्सेज यहां से करने की सोच रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हैं, तो एक बार आपको बाकी के ऑप्शंस को भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। एक बार इस यूनिवर्सिटी को बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे कंपेयर करना चाहिए और तभी एडमिशन लेना चाहिए। और अगर आपके मन में यूनिवर्सिटी को लेके या फिर देहरादून के कॉलेजेस को लेके कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।